हेलो दोस्तों, चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ढेर सारे कमेंट्स किए, लाइक किए और सब्सक्राइब भी आपने किया। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो डायबिटीज़ की दवा के ऊपर है जो कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है। जी, हम बात कर रहे हैं ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन की, जो एक ही टेबलेट में दोनों दवा होती है। तो क्या है ग्लिमिप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन, इसके यूजेज, डोजेज और साइड इफेक्ट क्या है, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन दो डायबिटीज की अलग अलग दवाएं और ये शुगर को अलग अलग तरीके से कम करती हैं। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली डॉक्टर इसे तब देते हैं जब पेशेंट की शुगर डाइट से भी कंट्रोल नहीं होती, एक्सरसाइज से भी नहीं होती और मेटफॉर्मिन या ग्लिमिप्राइड अलग अलग लेने से भी कंट्रोल नहीं होती है, तब डॉक्टर ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन को कॉम्बिनेशन फॉर्म में आपको देते हैं ताकि आपकी ब्लड की जो शुगर है लेवल वो कंट्रोल में आ जाए। ग्लिमिप्राइड आपके शरीर में जाकर पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती है, वहाँ से पर्याप्त मात्रा में वो इंसुलिन निकलता है जो ब्लड में जाकर शुगर को सेल के अंदर भेज देता है, ये इसका काम है। मेटफॉर्मिन भी शुगर को कंट्रोल करता है लेकिन ये दूसरी तरह से कंट्रोल करता है। जब आप मेटफॉर्मिन लेते हैं तो आपके लीवर में जो शुगर का प्रोडक्शन होता है मेटफॉर्मिन की वजह से, वो प्रोडक्शन शुगर का थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर कम हो जाता है। जब आप ग्लूकोमीटर से उसको नापेंगे तो आपका शुगर कम निकलेगा, ये इसका काम होता है। जब ग्लिमिप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन की कॉम्बिनेशन फॉर्म पेशेंट को दी जाती है तब ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है और पेशेंट को फ़ायदा होता है, उनकी शुगर कंट्रोल में आती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लिमिप्राइड एंड मेटफॉर्मिन टेबलेट जो कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है, इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो ये कई स्ट्रेंथ में आती है, जैसे ग्लिमिप्राइड 1 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg, ये आती है। ग्लिमिप्राइड 2 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg, यहाँ पे ग्लिमिप्राइड 2 mg हो गया है। तीसरी एक आती है ग्लिमिप्राइड 1 mg एंड मेटफॉर्मिन 1000 mg, यहाँ मेटफॉर्मिन की स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। एक और आती है ग्लिमिप्राइड 2 mg एंड मेटफॉर्मिन 1000 mg, यहाँ पर ग्लिमिप्राइड 2 mg हो गया है। तो इस तरह से ये दवा मार्केट में आती है, ये डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ब्रांड की। जो पॉपुलर ब्रांड है वो एमाराइल M1, एमाराइल M2। यहाँ पर जो एमाराइल M1 है इसमें ग्लिमिप्राइड 1 mg है और जो दूसरी है एमाराइल M2 इसमें ग्लिमिप्राइड 2 mg है। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। और इसमें डायपराइड M1, डायपराइड M2 आती है, इसराइल M1, इसराइल M2 भी आती है, ग्लिमेस्टर M1, ग्लिमेस्टर M2 भी आती है, ग्लाइमाई M1, ग्लाइमाई M2 भी आती है, ग्लाइसिफेज G1, ग्लाइसिफेज G2 भी आती है, GMTSR 1 एंड 500 mg आती है, GMTSR 2 एंड 500 mg भी आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डोजेस की। ग्लिमिप्राइड 1 mg, 2 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg, यूजुअली डॉक्टर इसे दिन में 1 से 3 बार पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं। ग्लिमिप्राइड 1 mg, 2 mg और मेटफॉर्मिन 1000 mg, ये जब प्रिस्क्राइब होती है तो ये सिर्फ दिन में एक ही बार लेना होता है, क्योंकि इसमें मेटफॉर्मिन SR फॉर्म में होती है जो आपके शरीर में पूरे दिन थोड़ी थोड़ी रिलीज होती रहती है। यानी आपको सिर्फ दिन में एक ही बार लेना है, वो काफ़ी है, और वो जो इसमें SR फॉर्म है वो धीरे धीरे रिलीज होती है, तो आपका 24 घंटे तक वो कंट्रोल करती रहती है। कुछ विशेष केस में ही डॉक्टर इसे 2 बार कह सकते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट को खाना खाने से ठीक पहले लेना चाहिए और एक्सरसाइज भी अगर आप करेंगे तो ये और अच्छी तरह से आपको फ़ायदा करेगी। दोस्तों, बात करते हैं ग्लिमिप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन फॉर्म के कुछ साइड इफ़ेक्ट की। चूँकि डिजीज़ जब ज़्यादा सीरियस होती है तो इसको कंट्रोल में करने के लिए, ठीक करने के लिए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। कुछ साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो आपके शरीर में जब ये एडजस्टमेंट हो रहा होता है
तो ये कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं। जैसे ही एडजस्टमेंट हो जाएगा यानी दवा आपके बॉडी को एडजस्ट कर लेगी, उसके बाद ये अपने आप चले जाते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट बने रहते हैं। तो अगर ये साइड इफेक्ट आप में बने रहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जल्द संपर्क करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ये साइड इफेक्ट क्या क्या है। पहला इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर लेवल, ये तो इसमें जो ग्लिमेप्राइड है इसका ये साइड इफेक्ट है। तो ये जो लो ब्लड शुगर ये कुछ पेशेंट में आ सकता है। दूसरा है टेस्ट चेंज, तीसरा है नौजिया, डायरिया भी कुछ लोगों को हो सकता है, चूँकि मेटफॉर्मिन इसमें है तो डायरिया की कंप्लेन भी हो सकती है, स्टमक पेन भी रह सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट है। अगर ये साइड इफेक्ट आप में दिखे और बने रहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जल्द संपर्क करें। तो दोस्तों ये था ग्लिमेप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन टैबलेट का रिव्यू। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको कुछ क्वेरी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।